थ्रू आउट दिस कोर्स हम सोशल चेंज की बात करते आए हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स सोशल प्रॉब्लम्स को हल करके एवर लास्टिंग सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से पिछले सेशन में हमने बात की कि अगर हम दुनिया को एक सस्टेंड वे में चेंज करना चाहते हैं जहाँ डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के लोग एक जैसी एंजॉय well कर सकें एक जैसी डेवलपमेंट एंजॉय कर सकें तो उसके लिए हमें सोशल चेंज की हमने बात की है तो लेट्स सी व्हाट इज सोशल चेंज सोशल चेंज को हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं सारा दिन हम बात करते हैं आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं दुनिया बदल गई है मॉम, डैड आपको नहीं पता सब कुछ बदल गया है चीज़ें चेंज हो गई हैं तो ये चेंज क्या है पूरी सोसाइटी कम्युनिटीज मुआशरा दुनिया जो है यस इट्स चेंजिंग लेकिन सोशल चेंज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इट्स नॉट दैट सिंपल के एक चीज गई और दूसरी आ गई या कुछ बदल गया सोशोलॉजिस्ट सोशल चेंज को इस तरह डिफाइन करते हैं कि सोशल चेंज दरअसल इंसानों के इंटरेक्शंस उनके बिहेवियर्स में इस तरह की चेंज है जिससे बाकायदा कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस चेंज हो जाते हैं मतलब पूरा मुआरा तब्दील हो जाता है इस चेंज के मुख्तलिफ सोर्स हो सकते हैं मसलन एक माशरे के लोगों का दूसरे माशरे के लोगों से मेल जोल या इमिग्रेशन या माइग्रेशन के ज़रिए से नए रस्म रवाज और नए तौर तरीक़े सीखना इसको सोशोलॉजी की ज़बान में डिफ्यूजन कहते हैं इसी तरह एकोसस्टम में हमारे इन्वामेंट में जो चेंजेस आती हैं मसल सैलाब अर्थकोक्स हमने अभी एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों से मुआरे में तब्दीलियाँ आती हैं पूरी पूरी बस्तियाँ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं लोग अपना रोज़गार के जो तौर तरीके हैं वो बदल लेते हैं उससे जो चेंजेस आती हैं वो सोशल चेंजेस होती हैं इसी तरह आबादी में बाज मुल्कों में आबादी बहुत यंग है यूथ ज़्यादा है बाज़ मुल्कों में एजिंग पॉपुलेशन है उसी तरह की जिस तरह के जिन मुल्कों में यंग पापूलेशन होगी वहाँ और तरह का माशरा होगा जिन माशरों में एज्ड पापुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ और तरह का माहौल और तरह के तौर तरीके लोगों के होंगे तो सोशल चेंज जो है वो इन सारी सोर्सेस से आ सकती है सोशल चेंज की चंद बड़ी मिसालें जो इंसानी तारीख में हैं, उसमें एक सिवल राइट्स की मूवमेंट है जिसमें ग़ुलाों को ग़ुलामी ख़त्म की गई और ग़ुलाों को हकूक मिले बुनियादी तौर पर शहरी हकूक जिनको हम कहते हैं इसी तरह औरतों के हकूक की मूवमेंट्स हैं कुछ और वल्नरेबल और डिसएडवानट ग्रुप्स के हकूक की मूवमेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया के मुख्तु माशरों पर बहुत ही लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स छोड़े हैं पूरे पूरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं औरत का क्या रोल होगा मर्द का क्या रोल होगा बच्चों के क्या हकूक़ हैं ये सारी चीज़ें बदल कर रह गई हैं सोशल चेंज की एक एग्ज़ाम्पल ये है सोशल चेंज की एक एग्ज़ाम्पल जो हमारे कोर्स से ज़्यादा कंसर्न या रिलेटेड आप कह सकते हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एग्ज़ाम्पल है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसानी मुशरे को बदल कर रख दिया वो जो फ्यूडल लॉर्ड और उसके मज़ारों के दरमियान रिश्ता था जो ज़मीन पर डिपेंडेंस थी जो एक्सप्लाइटेशन थी उसकी बजाय अब लोग अपनी स्किल्स के ज़रिए से रोजगार कमा सकते हैं किसी पर फ्यूडल लॉड पर डिपेंडेंट नहीं है उसके मोहताज नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मशीनों के जरिए से जिंदगी को आसान कर दिया है हमारे घरों का इंटीरियर बदल गया है घरों पे काम करने के तरीके बदल गए हैं तो ये एक बड़ी एग्जाम्पल है सोशल चेंज की सोशल चेंज की जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी इनसे आपको अंदाजा हुआ होगा कि इसमें एक बेसिक एलिमेंट इनोवेशन का है और इनोवेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ सोशल एंटरप्रन्यशिप यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए से सोशल चेंज जो है वो मौजूदा ज़माने में आ रही है जैसे किसी ज़माने में इंडस्ट्रलाइजेशन हुई जैसे किसी ज़माने में सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से चेंजेस आई आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इतनी स्ट्रांग प्रैक्टिस है कि उससे एक पूरा मुआरा जो है वो तब्दील किया जा सकता है और माशरे तब्दील हो रहे हैं थैंक यू